रायपुर के सिविल लाइन थाने में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर FIR दर्ज की गई है। भाजपा नेताओं की शिकायत है कि अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी के बयान से सिख समाज की भावनाएं आहत हुई है। संजय श्रीवास्तव के मुताबिक पगड़ी और कड़ा सिख धर्म का प्रतीक है, इस पर टिप्पणी करना अमर्यादित है। जिस प्रकार की भाषा ये बोल रहे हैं वो देश में जाति धर्म भाषा और क्षेत्र के आधार पर विभाजनकारी है। प्रदेश के सभी 5 संभाग में भाजपा नेताओं ने गुरुवार को थाने का घेराव कर राहुल गांधी पर FIR की मांग की है। हालांकि रायपुर को छोड़कर अन्य थानों में FIR दर्ज नहीं हुई है। रायपुर में सिख समुदाय के लोगों के साथ भाजपा नेता थाने पहुंचे थे। भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव के मुताबिक विदेश प्रवास के दौरान उन विदेशी ताकतों के प्रतिनिधियों से राहुल गांधी का भेंट मुलाकात करना आपत्तिजनक है, जो भारत में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता पैदा करके भारत को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाज़त दी जाएगी या नहीं, क्या वे गुरुद्वारे जा सकेंगे। ये चिंता सिर्फ सिखों की ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। देश सबका है ये बीजेपी नहीं मानती। बीजेपी को समझ में नहीं आता कि यह देश सबका है। भारत एक संघ है, संविधान में साफ लिखा है। भारत एक संघ राज्य है जिसमें विभिन्न इतिहास, परंपराएं, संगीत और नृत्य शामिल है। RSS कहती है कि कुछ राज्य दूसरे राज्यों से कमतर हैं और कुछ भाषाएं दूसरी भाषाओं से, कुछ धर्म दूसरे धर्मों से और कुछ समुदाय दूसरे समुदाय से कम है। हर राज्य का अपना इतिहास है, परंपरा है। RSS की विचारधारा में तमिल, मराठी, बंगाली और मणिपुरी है, ये कमतर भाषाएं हैं। इस बात पर लड़ाई है। RSS भारत को नहीं समझती। आरक्षण खत्म करने का अभी सही समय नहीं है। कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब सही समय होगा। जब आप विपत्ति आंकड़ों को देखते हैं तो आदिवासियों को 100 रुपये में 10 पैसे मिलते हैं, दलितों को 100 रुपये में से 5 रुपये मिलते हैं और OBC को लगभग इतनी ही रकम मिलती है। भारत के बिजनेस लिजार्ड की लिस्ट देखें, मुझे लगता है कि टॉप 200 में से एक OBC है, जबकि वे भारत में 50% हैं, लेकिन हम इस बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं। चुनाव से पहले हम इस बात पर जोर देते हैं कि संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है, एजुकेशन सिस्टम पर RSS का कब्जा है, मीडिया और जांच एजेंसियों पर उनका ही कब्जा है। मैंने संविधान को सामने रखना शुरू किया है। अगर संविधान खत्म हो गया तो पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा। लोगों ने समझा कि जो संविधान की रक्षा कर रहे हैं, जो उसे नष्ट करना चाहते हैं, यह उनके बीच की लड़ाई है। मुझे नहीं लगता कि निष्पक्ष चुनाव होते तो BJP 246 के करीब होती।